CDOs का PCA और जो हमारे PHN का सबका रह गया था उसका उन्होंने कल भी मांग लिया था जाते जाते भी कि हाँ आप इसको ऐड कर देना। हमने जो लेटर भेजा था उसमें सेकंड पॉइंट भी CDO का ही था, क्योंकि देखो जो बंदा पांच का डिस्पेंसरी जा रहा है उसका भी है और अभी हम उसमें TA का वो भी सारा लिखवा देंगे। तो ये बस है, जो हमें मांगना है हम अपने मांगने में कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, हम हर चीज करेंगे। लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा ट्रक है, साथ नहीं साथ रहेंगे और तभी कुछ मिलेगा। आज ये जीत भी इसीलिए होगी। देखो भाइयों, पहले दिन से हमारी लड़ाई यही थी कि जिसकी सरकार बार बार कह रही थी परसेंटेज, आज मंत्री ने जी भी हमारी लड़ाई के हिसाब से ही बोला। हमने कहा था ना कि जिसकी कम तनख्वाह है हम उसकी ज्यादा बढ़वाएंगे, शुरू से हमने बोला था ऐसा नहीं होगा कि सारे 10-20% में सबको पेल दिया जाएगा, जिसकी ज्यादा तनख्वाह है वो तो ज्यादा बढ़ जाती है। आज मंत्री ने यही कहा अगर किसी की 100% पैरिटी था हम 100% बढ़ाएंगे, अप टू 100% यही बोला ना उन्होंने। तो अप टू 100% मतलब जिसकी 100% देनी होगी उसको 100% भी देंगे और जिसको कुल 30-40% दे रही है तो उसको 40% भी देंगे। ये मत सोचो कि मेरी सैलरी कम है अब ऐसा चल गया वैसा, जिनकी सैलरी कम है उनकी सबसे ज्यादा बढ़ेगी, हम आज भी आश्वासन दे रहे हैं और मंत्री जी ने भी यही बोला था। और हमारी लड़ाई वही थी कि जिनकी कम सैलरी है उनकी कम बढ़ती है, हर बार यही रह जाता है। सरकार उस मुद्दे पे आ नहीं रही थी, उस मुद्दे पे लाने के लिए हमारा साथ कमांडो सुरेंद्र सिंह जी ने दिया और कुछ लोग हमारे से जुड़े, लेकिन सबसे इस सारी लड़ाई का पूरा श्रेय हमारा कमांडो सुरेंद्र सिंह जी को जाता है। इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं कि हम जो मेहनत उन्होंने हमारे लिए की है और जो मेहनत रंग लाएगी आप सबको दिखेगी, हम भी इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे और इनके लिए जितना जो भी हो सकेगा तन मन धन से हम करेंगे। तो लड़ाई बिल्कुल हमारे अनुरूप इन्होंने लड़ी है और मंत्री जी के शब्द थे, मंत्री जी बोलते थोड़ा जैसे वैसे हैं वो सबको पता है, लेकिन मंत्री जी ने बात वही बोली कि भाई जिसकी जरूरत 100% की हम 100% भी बढ़ाएंगे, उन्होंने बोला है ना। तो ये बिल्कुल मत सोचो कि अब मेरी थोड़ी है मेरा कम बढ़ेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक आध पोस्ट कोई सीडियो वीडियो ये सोच रहे हैं कि भाई हम पे हमारी तो थोड़ी सी है, रेगुलर में क्या होगी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जहाँ तक हमने जो सोचा है और जो हमने आश्वासन दिया था वहां तक बढ़ेगी तो ही हम साथ रहेंगे, अदरवाइज फिर हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे या कोई हार गया 40 दिन बैठ के, फिर दिक्कत क्या है। फिर जो हिम्मत वाले लोग हैं उनको डरने की जरूरत ही नहीं है, जब आज बैठ के हम मंत्री को उसके घर के बाहर बुला सकते हैं गेट पे, तो फिर आगे जाके हम उसके घर में भी घुस जाएंगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है।